हमारे साथ इस वक्त जील साइंसेज इंस्टीट्यूट के चीफ ट्रेनर डॉक्टर अब्दुस्समद मुसाफिर साहब मौजूद हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह कंडक्ट करते हैं अपनी इन पूरी क्लासेस को। जी, हम कंडक्ट करते हैं क्लासेस को और इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में, पूरे पाकिस्तान में, छोटे बड़े शहरों में भी होते हैं और लोग आते हैं और हम उनको बिठाते हैं और उनको इलाज भी करते हैं, उनको ट्रेन भी करते हैं। और जिल साइंसेस की टीम है, काम कर रहे पूरे पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं ये चीज़ें। हम जील साइंसेज इंस्टीट्यूट के चीफ ट्रेनर डॉक्टर अब्दुस्समद साहब के साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि उनके स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है और उनको किस तरह ट्रेन करते हैं। जी, हमारे स्टूडेंट्स की तादाद तकरीबन वो तो काफ़ी है और उनको ट्रेन करते हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। हमारे जील साइंसेस को बहुत लोग लाइक करते हैं और ज्वाइन कर रहे हैं हमें, पूरे पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक में हमें ज्वाइन कर रहे हैं और लोग तेज़ी से ये हमारे जो सब्जेक्ट समदा हीलिंग एनर्जी और HMF है, ये लोगों में तेज़ी से फैल रहे और तेज़ी से ये लोग ले रहे हैं, दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। और PMBL द पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेजेस, हमारा एक दूसरा सब्जेक्ट योगा है, इंस्टेंट योगा एक बेहतरीन योगा का कोर्स है जो लोगों में बड़ी मकबूलियत पैदा हो रहे इन HMF समदा एंड PMBL एंड योगा के, बहुत ज़्यादा मकबूलियत लोगों में हो रहे हैं इसके और ये फैल रहे हैं दुनिया में तेज़ी से। तो इसीलिए हम कर रहे हैं, लोग इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं क्योंकि एक शख्स जब ठीक हो जाते हैं तो दूसरे फिर आ जाते हैं, उनके दूसरे लोग आ जाते हैं, उनके इर्द गिर्द फैमिली के लोग आते हैं, अपने दोस्त ले आते हैं अपने सारे इर्द गिर्द, क्योंकि एक चीज़ जब अच्छे हैं, एक चीज़ जब बेहतरीन होते हैं तो ज़ाहिर है दूसरे लोगों के लिए भी लोग सोचते हैं कि ये मुफीद हो, अच्छा हो। और इस तरह की ये सिलसिला चल रहे हैं। तो कितने दिन का कोर्स होता है और या इसके लेवल्स के बारे में हमें ज़रा बताइएगा। ये सिर्फ 2 दिन के कोर्स होते हैं, 2 दिन में हम लोगों को ट्रेन भी करते हैं, उनका इलाज भी करते हैं, बस मुख्तसर से वर्कशॉप्स होते हैं। बाकी जील साइंसेस अगर पढ़ना है इंसान तो वो तो पूरी ज़िंदगी तक वो इंसान, इनके स्टडी ख़त्म नहीं होते। थैंक यू। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर समद के कोर्स के दौरान जो क्लासेस हो रही है उनमें हम मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त बैठी हुई है खातून जो डॉक्टर समद की जो कोर्स है उसमें क्लासेस लेने के लिए आती है। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसे रहा। हाँ जी, मैं डॉक्टर अब्दुलसमद की स्टूडेंट हूँ और मैंने 6 लेवल किए हुए हैं। तो अभी मैंने एडमिशन ले लिया है इसमें HMF में। बड़ा इम्प्रेसिव इनका लेसन होता है और काफ़ी इसमें सीखने के लिए चीज़ें होती हैं। TV में जो प्रोग्राम होता है इनका हक पे कराची से जो होता है, तो मैं इसमें बड़े शौक़ से पाबंदी के साथ ना सुबह 8 बजे मैं बैठ जाती हूँ TV के सामने, चाहे कितना ज़रूरी काम हो छोड़ के, तो क्योंकि इनका बड़ा मालूमाती और बड़ा इम्प्रेसिव किस्म का और बड़ा हमारा इस्लामी और रिलीजियस किस्म का प्रोग्राम है ये हमारा, हमें इस पर बड़ा इसमें मुफीद मशवरे भी मिलते हैं। मैं अपने पहले तो मैंने कहा कि मैं अपने ऊपर अप्लाई करूँ ताकि मैं अगर सेटिस्फाई हूँ तो फिर मैं किसी और के ऊपर अप्लाई करूँ, क्योंकि हम लोग जिस इलाके में रहते हैं वो थोड़ा पॉश एरिया है, तो वो मैं आम लोगों के साथ तो मेरी इतना मेल मिलाप नहीं हो सकता। तो मैं कहती हूँ पहले मैं खुद, क्योंकि माशाल्लाह मेरे 2 बेटे 2 बेटियाँ हैं, तो 4 डॉक्टर हैं, 2 अमेरिका में हैं, वो उन्होंने स्पेशलाइज किया हुआ है तो वो उधर ही सेटल हैं, और 2 बच्चे मेरे इधर हैं पाकिस्तान में, तो दोनों माशाल्लाह, एक गायनी में स्पेशलाइजेशन कर रही है बेटी मेरी और बेटा भी मेरा बहुत अच्छी प्रैक्टिस है उसकी, प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें है। डॉक्टर साहब की मैं तो बड़ी अकीदतमंद हूँ।
नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर समद के एक और स्टूडेंट, आइए हम उनसे जानते हैं कि उन्हें इस इलाज से और क्लासेस से कितना फ़ायदा हुआ है। मैंने जब से समदा हीलिंग एनर्जी इनसे मैं करके गया हूँ बेसिक कोर्स जो है, तो मेरे सर में काफ़ी पेन रहता था, उसके अलावा कुछ मतलब मैं अपनी एक्टिविटीज़ जो थी वो भी मैं अच्छे तरीके से अंजाम नहीं था दे पा रहा, तो जब से मैंने कोर्स किया उसके बाद मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। और जो मेरे छोटी मोटी जो बीमारियां जो सर दर्द हो गया जैसे कोई भी दर्द वगैरह हो जाए और क्रोनिक डिसीज़ जो हैं वो भी बेहतर हो रही हैं, और इसके अलावा मैं दूसरों को भी हील कर सकता हूँ और उससे काफ़ी लोगों को इस्तफादा हासिल हो रहा है। और वो मुझे बताते हैं, मुझे कॉल करके बताते हैं जब मैं डिस्टेंस हीलिंग करता हूँ तो मुझे बताते हैं कि हमें फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ से। तो उसके अलावा जो मैग्नेटिक फोर्स का जो कोर्स है वो भी बहुत अच्छा है, अपनी हमारी वीकली मंथली और ईयर्स के जो गोल्स हम बनाते हैं उनके लिए वो पूरे होते हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा हमें फ़ायदा जो है ना पहुँच रहा है, एक चीज़ का फील हो रहा है कि मतलब वाकई ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। कितने अरसे से आप ये डॉक्टर साहब के साथ कोर्स कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 1 ईयर हो चुका है डॉक्टर साहब से कनेक्ट हुए हुए। तो इससे पहले जो मेरे एक दोस्त हैं लियाकत साहब, तो वो इसके माहिर हैं, डॉक्टर साहब के स्टूडेंट हैं वो पुराने, तो उनके पास हम जाते हैं, वो हम करते थे तो मुझे भी शौक हुआ कि ये क्या चीज़ है कि इतनी जल्दी जिससे आराम आ रहा है हमें, तो फिर मैं डॉक्टर साहब के पास 1 ईयर इससे पहले 1 ईयर पहले जो मैं इनसे आया और कोर्स किया, मैंने बेसिक कोर्स किया तो मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा, तो इसलिए मैं अब दोबारा इनसे जो अगले कोर्स हैं वो करने आया हूँ जो 4 से आगे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क है और जिन लोगों को मैंने आगे से हील किया उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है वो बताते हैं मुझे। ऐसा है कि जिस वेले मैंने समदा 1-4 किया तो मेरे पास एक मेरे दोस्त आए बड़े घबराए हुए, मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या मसला है, और मजे की बात यह कि वो यहाँ इस्लामाबाद में ख़ुद लॉयर हैं, उनके घर से कोई एक जो उनके घर में एक बच्ची काम कर रही थी वो जो है अगवा हो गई थी, तो मैंने उनसे वो बेचारे फिर जो है घबरा रहे थे कि जो है पुलिस वाले आएंगे पूछेंगे ये है, क्योंकि वो लड़की जो है कोई उनके घर में छोड़ के गया था कि भाई जो है मैं उसको लेने के लिए आ जाऊंगा। अब जब वो बेचारे वहाँ पहुँचे तो लड़की नहीं थी, तो ज़ाहिर है वो पुलिस वाले पुलिस स्टेशन चले गए। अब जब वो पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ पर एक शरीफ आदमी के लिए तो पुलिस का नाम ही काफ़ी है ना। अब हुआ ये कि पुलिस वाले इनके घर आए, उन्होंने पूछा और उनको टाइम दिया कि भाई लड़की तुम लोगों ने जो है वो अगवा की हुई है, तो तुम लोग जो है अब बस लड़की दो नहीं तो थाने चलो। तो उसने मुझे फ़ोन किया और इत्तेफाक से मैं इस्लामाबाद में था, तो मैं यहाँ से जो है निकला, पीसी में था उस वक्त मैं, ये 1 महीने पहले की बात है। तो मैं जब उनके पास वहाँ गया तो मैंने उनको जो है 10 मोमबत्तियाँ मैंने मंगवाई उनसे, और मैंने उसको समदा 3 और समदा 4 से मैंने उनको हील करके उनको कहा कि भाई घर के जितने भी बंदे हैं वो सब एक कमरे के अंदर लॉक करके, और एटलीस्ट 1 मोमबत्ती जो है ना वो घर का कोई भी मकीन जो है उस कमरे से ना निकले जब तक मोमबत्ती पूरी ख़त्म नहीं हो जाती। अच्छा, वो मोमबत्ती एक बकौली जिस तरह मैंने उनको गाइड किया था उन्होंने ख़त्म करी। उसके बाद हुआ यह कि ये सारे अपने अपने कमरे में चले गए सो गए। सुबह जनाब उन्होंने 10 बजे मुझे फ़ोन किया और बड़े हंस रहे थे बड़े खुश थे, तो मुझे कहता है नूर साहब आपने तो कमाल कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ जी, बल्कि मैं तो उस बात को भूल भी गया था क्योंकि मैंने ट्रेवलिंग की थी रात को, तो मैं तो वो कहानी सारी भूल गया था। तो सुबह जो इनकी कॉल आई तो वो ये था कि जी वो लड़की मिल गई है। तो मैंने कहा कैसे मिल गई? कहते जी बस सुबह जो है उसे कोई हमारे घर के सामने जो है वो छोड़ के चला गया है। तो लड़की से हमने पूछा कि भाई तुम किसके साथ आई? उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं जानती थी, बस कुछ लोग मुझे छोड़ गया है। तो दे वर वेरी हैप्पी, खासकर उनकी जो वालदा थी जो बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो वो बड़ी ज़्यादा। तो एक तो ये वाक़ है, दूसरा जो वाक़ है मेरा ख्याल है जो रिसेंट वाक़ जो अभी हुआ है इस वर्कशॉप के अंदर, मैं आपको मोबाइल फ़ोन पे एक मैसेज दिखा दूँ। मैं चूंकि हीलर हूँ, ठीक है ना, मेरे पास लोग आते हैं हीलिंग के लिए, मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है ना, मैं मेडिसन्स खुद बनाता हूँ, ठीक है ना,
उससे मुझे जो फ़ायदा हुआ है वो आपको यही तो बता रहा हूँ ना कि देखें चीज़ें कितनी जल्दी जल्दी जो है ना वो हो रही हैं। अभी एक पेशेंट को मैंने महीना पहले हील किया था उसके लिए हेपेटाइटिस बी के लिए, ठीक है जी, मैं मैसेज दिखा दूँगा आपको। ये देखें जी, ये उनका अब मुझे अभी रिस्पॉन्स आया है कि HBS जो है लिसा वो है 16.5 है और नॉर्मल जो है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने उसको पूछा कि अच्छा पहले कितना था, तो इसने मुझे कहा जी कि पहले जो है 24.3 था। ये भी वर्कशॉप के बीच में ही जो है नहीं, हाँ। तो फिर मैंने उसको मुबारकबाद दी कि चलो भाई मुबारक हो, इतनी इम्प्रूवमेंट हो गई है, ठीक है। तो ये सब इम्प्रूवमेंट है, आप कह रहे ना कि मैंने अपने लिए तो उसको कैसे पाए, तो ये मेरे लिए है ना। ज़ाहिर है मेरे पास पेशेंट्स आते हैं मुख्तलिफ उसके जो है, तो मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसको बहुत ज़्यादा मुफीद पाया, खसूसन जो है बीमारियों के हवाले से। और यही वजह है कि आज मैं इधर हूँ समदा फायर से लेकर 8 तक लेवल की ट्रीटमेंट लेने के लिए। और मैं हमेशा अल्लाह ताला से ये दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे कोई ऐसी पावर दे दे, कोई ऐसी ताकत दे दे, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में जब से मुझे होश संभाला है मैंने देखा है कि मुझे लगातार कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रही हैं और बीमारियां और तकलीफ़ें, और डॉक्टर्स के पास जाना लगा ही रहा है मेरा। और मैं 9 दफ़ा ऑपरेशन थिएटर गई हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को अभी ये समझ लिया था कि जैसे अभी मेरे लिए कोई दुनिया में कोई इलाज है ही नहीं है। और मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करती थी कि अल्लाह मुझे कोई ऐसी पावर दे दे, कोई ऐसी ताकत दे दे कि ताकि ना मैं कहीं डॉक्टर के पास जाऊं और ना मैं किसी से दम वगैरह कराऊं, मैं अपना इलाज खुद कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन मैंने हक चैनल पे इनका योगा देखा, उसके बाद अगले दिन मैंने इनका लेक्चर सुना और 2-3 दिन मैंने लगातार वो रिपीट उनके लेक्चर सुने, जो अब भी मैं डेली इनके सारे जो 8 बजे स्टार्ट होते हैं हक चैनल पे वो मैं डेली इनका देखती हूँ और हर रोज़ नई नई बात सुनने को मिलती है। और मैंने उस पर एक लाइव नंबर्स चल रहे थे और मैंने कॉल की और इनकी खालदा से मेरी से रब्ता हुआ, उसने मुझे कहा कि इस तरह से ये हम इस तरह से ये सिखाते हैं तो आप, मेरा ख्याल है आप ये कर लें तो आपका सारा मसला हल हो जाएगा। तो मैंने ये ज्वाइन किया अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैंने 1 से 4 लेवल किया तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी जो कि 11 साल से थी, और जब मैंने 1 से 4 लेवल किया तो नेक्स्ट डे जब मैं आई तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि आप सब अपने एक्सपीरियंस बताएं, और मैं खुद हैरान थी कि मैं जो एक मेडिसिन यूज़ करती थी वो 11 साल के बाद मैं मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि वो मैंने मेडिसिन को देखना भी है, यूज़ भी करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी उस बात को भी 2-3 महीने हो गए और अभी तक मैंने मेडिसिन यूज़ नहीं की, माशाल्लाह से मैं बिल्कुल मुझे आराम आ गया। और जैसे मुझे बहुत ज़्यादा मेरी एक साथ प्रॉब्लम थी कि छोटी सी परेशानी, छोटी सी कोई बात होती थी तो मैं बहुत जल्द घबरा जाती थी, मेरा धड़कन दिल की तेज़ हो जाती थी। और इसमें मैंने अपने आप को ये चीज़ महसूस की है कि मैं बहुत मजबूत हो गई हूँ, बहुत पावरफुल हो गई हूँ, और मैंने अब मुझे वो उस तरह से घबराहट या वो उस तरह से परेशानी नहीं होती है। और एक दिन मैंने ये चीज़ नोट की कि मैं सख्त सर्दियों का मौसम है, मेरे गले में शदीद दर्द था, मैं सुबह उठी हूँ तो मैंने कहा अभी सर्दी में कहाँ उठूँ जाके मैं घास का, तो मैंने सोचा चलें 5 लेवल जो है उसको मैं रखती हूँ, 5-6 को मैंने गले पे हाथ रखा और मैंने 2-3 बार ऑन किया। और मैं ये सोच रही हूँ बल्कि ये कह रही हूँ कि अब मैं हाथ उठाऊँगी और मेरा गला ठीक होगा। बिलीव मी कि मेरा गला बिल्कुल ठीक था, मुझे कुछ उठ के कोई घास वगैरह भी नहीं करने पड़े हैं, तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे ये है कि हम अब अपनी भी परेशानी को, जैसे रोज़ दूसरे दिन गला भी, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, गला ख़राब है जी, आपको कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, कहीं घुटने में दर्द हो गया है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप डॉक्टर के पास सोचते हो अभी जाएँ ना जाएँ, और आजकल इतनी बिजी लाइफ है कि टाइम निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़हनी तौर पर मैं बहुत पुरसकून हो गई हूँ कि छोटी छोटी सी जो प्रॉब्लम है मैं इनको खुद सॉल्व कर सकती हूँ, अपनी भी सॉल्व कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी हम उसकी मदद कर सकते हैं, दूसरों की भी सॉल्व कर सकते हैं। मेरा नाम आमिर नईम है। देखिए पिछले 5 या 6 ईयर से जो मुझे प्रॉब्लम चल रही थी वो थी स्टोमिक की। ओके, बिकॉज स्टोमिक में मुझे ये होता था जब भी मैं कोई स्पाइसी चीज़ें खाता था तो मेरी तबीयत ख़राब होती थी और मुझे अच्छा नहीं फील होता था। तो डिफरेंट जगहों से मैंने अपने ट्रीटमेंट करवाई, PIMS से करवाई और भी काफ़ी जगहों से मैं ट्रीटमेंट लेता रहा, बट कहीं से मुझे कुछ खास इफेक्ट नहीं हुआ, यानी बेहतरी नहीं आ रही थी। और मैं फिर मेडिसिन खा खा के, डिफरेंट किस्म की मेडिसिन, मैं मतलब
ज़्यादा मेडिसिन होने की वजह से उस पर फिर जो हेल्थ पे है उस पर अच्छे इफेक्ट्स नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने हक टीवी पे डॉक्टर साहब के कुछ प्रोग्राम देखे, मेरे पास हक टीवी का चैनल आता था, उस पर मैंने देखा तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आईं, ऐसी कुछ चीज़ें मुझे फील हुई कि अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और अपने ट्रीटमेंट करवाऊँ तो होपफुली पॉसिबल के इंटरव्यू से पता चला कि कुछ फ़र्क पड़ सकता है। फिर मैंने 1, 2, 3, 4 लेवल्स किए, ठीक है। उसके बाद स्टोमिक की प्रॉब्लम मेरी डेफिनेटली ठीक हो गई, और फिर मैंने HMF किया, एक ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स का वो जो मैंने कोर्स किया। उसमें ये होता था कि मेरे ऑफिस में मेरे लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं होते थे, बेजा गुस्सा आना, लोगों के साथ कट ऑफ रहना, वो फ्रैंकनेस वगैरह नहीं थी। मतलब जब मैंने HMF किया तो उसके बाद फ्रॉम द डे फर्स्ट जब मैं ऑफिस विजिट किया तो मेरा बिल्कुल बिहेवियर डिफरेंट था, लोगों के साथ मेरा मेल जोल और सब ने इतना फील किया। लोग कहते हैं कि आप में इतनी चेंज कैसे आ गई है कि आप पहले तो आप किसी से बात नहीं करते थे, आप बंदे से कट ऑफ रहते थे और अब सबके साथ आपके इतने अच्छे रिलेशन है। तो ये एक ऐसी चीज़ हुई कि जिसका इतना अच्छा इफेक्ट हुआ, और फिर एक सेटिस्फेक्शन जो मुझे फील हुई कि मैं मतलब बिफोर जब मैंने जब तक नहीं किया था तो मुझे ज़िंदगी में इतना वो अट्रैक्शन भी कम हो गई थी, तो वो एक अट्रैक्शन आनी शुरू हो गई कि मुझे मतलब ऐसा सेटिस्फेक्शन फील होती थी। और थर्ड जब मैं सेल्फ फीलिंग भी करता हूँ और लोगों को भी तो बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता था, वो कहते थे कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं सेल्फ फीलिंग करता हूँ तो मेरी अपनी फीलिंग्स जो है वो बहुत अच्छी, और जिस्म से ऐसी कुछ शुआएं सी तवानाइयां सी जो है वो खारिज होती हैं, ठीक है। तो उससे जैसे बंदा डीप मेडिटेशन में चला जाता है ना, इस तरह का होता है कि अब जिंदगी की प्रॉब्लम से वरीज से कट ऑफ हो जाते हैं और एक ऐसी पुरसकून से जगह आप चले जाते हैं जहाँ पे आपको ये वरीज ये प्रॉब्लम्स कुछ नहीं होता, बंदा बहुत रिलैक्स फील कर रहा होता है। और डेफिनेटली जब बंदा रिलैक्स फील करता है तो उसकी लाइफ पे उसके अच्छे इफेक्ट पड़ेंगे। और फिर मैं एक ये चीज़ कहता हूँ कि देखें दुनिया में बहुत से लोगों ने डिफरेंट इन्वेंशंस चीज़ें की हैं, पाकिस्तान में हमारे पास हैं ऐसी चीज़ें जिसे हम वर्ल्ड लेवल पे कंपेयर कर सकते हैं। तो जो ये समदा है हमारी, अब जापान में है रिकी है और दूसरे का योगा होती है, इंडिया में बहुत ज़्यादा योगा होती है, हम टीवी चैनल्स पे देखते हैं, तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं था कि जिसमें ना लोग इस तरह की कोई अपना ट्रीटमेंट करवा सके या रिलैक्स फील कर सकें। अब यह है कि डॉक्टर साहब ने एक ऐसी चीज़ की है और इतना ज़्यादा उन्होंने इसमें स्टडी किया, इतना ज़्यादा उन्होंने नॉलेज लोगों को ट्रांसफर कर रहे हैं कि हम भी वी कैन फील प्राउड इन द ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इस वक्त ये चीज़ है हम इसे जापान, इंडिया, इवन एनी अदर कंट्री, USA, कैनेडा, हर जगह पे हम कंपेयर कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब के लेवल का इस वक्त कोई भी बंदा वर्ल्ड ओवर नहीं है, हैव लॉट ऑफ नॉलेज माशाल्लाह। और उसका सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, एंड इट्स माई प्रैक्टिकल, ऑनेस्टली इट्स माई प्रैक्टिकल कि एक इंसान की ज़िंदगी में अगर चेंज आते हैं वो खुद फील करता है तो वो दूसरों को भी बता सकता है कि आप